वंजनि सुत वंदन करें महावीर बजरंग करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमें सासंग। तो कहते शिवम कुमार राखियो लाज हमारी सुदी मेरी ली जो अंजनी के अवतारी। आदरणीय सभा में उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आज मैं विमलेश डीजे साउंड सर्विस के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ये बहुला गाय की एक आत्मकथा, बड़ा ही दर्दनाक घटना है, आप सभी लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। चंद्रावतीपुर में एक ब्राह्मण के यहां एक गैया रहती थी जिसे लोग प्यार से बहुला के नाम से जानते थे। वो गैया हर रोज अन्य गायों के साथ चरने के लिए वन में जाया करती थी। लेकिन भैया, इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलेगी किस प्रकार सत्य पर चलने वाला आदमी, किस प्रकार सत्य पर चलने वाला हर जीव प्राणी, कैसे उसकी कभी हार नहीं होती। बताया, अरे एक दिना की बात, अरे बहुला जंगल को धाई, ए भैया एक दिन की बात है, वो गैया चरने के लिए गायों के साथ जंगल को आई है, ध्यान देना। अरे सब गैयन के साथ चली वो मैया हरसाई, ध्यान देना भैया, बड़ी चली तभी अंगारी है, अरे पहुंची जंगल बीच घास तब हरी निहारी है, पहुंची जंगल मेरे भैया। वो बहुला नाम की गैया अन्य गैयों के साथ जंगल में चरने आई, जरा ध्यान देना, बड़ी सुंदर घटना है। हारे अकेले चरन लगी वन में, अरे चरते चरते बहुला भैया पहुंची बन खड़ में, लेकिन भैया अरे के पर्वत एक नियारो है, हरे की पर्वत एक नियारो है, अरे जहां पे सुंदर घास चरण को मतो बिचारो है, याद रखना भैया। वो बहुला नाम की गैया चरने के लिए आज सब गायों के साथ में बनखड़ में आई, बिचारी चरते चरते आगे को बढ़ी, उसे एक पर्वत दिखाई दिया, उस पर्वत पर जाकर वो गाय चरने लगी जहां हरी भरी घास थी। जो अन्य साथ में गैया थी ना, उनको जो दिशा पसंद आई वो गैया उस दिशा में पेट भरने को चली गई, बहुला अकेली हो गई। बहुला कोई और नहीं है, उसी गाय का नाम था बहुला। मेरे भैया,
वो गैया अकेली चर रही है पर्वत के ऊपर, लेकिन सब गाय छोटी गई संग की। अब सुनो भ्रात चित लाई, दुखिया कहीं बिकट बनी में आई। गैया चरते चरते घनघोर जंगल में आ गई। महाराज की पर्वत एक निहारो है, लख के सुंदर घास चरण को मतो बिचारो है। होनी है बलवान कहानी तुझी नहीं बनी, दादा होनी है बलवान कहानी तुझी नहीं बनी। मेरे भैया वो बहुला नाम की गाय चरने के लिए आई, उसे एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत के ऊपर वो गैया चरने लगी। अब जो साथ वाली गैया थी भैया, वो ना अलग अलग हो गई। कोई गैया पूर्व में चरने चली गई, कोई पश्चिम में चरने चली गई, कोई दाएं चली गई, कोई बाएं चली गई, मतलब बहुला जो थी वो अकेली रह गई। भैया अकेली वो वहां पर घास खा रही थी, लेकिन उस बेचारी को नहीं मालूम कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। ललाहर जीत चल रही थी वो गैया, तब तक क्या हुआ, अरे तौले सिंह गयो खुआई, चल रही थी आराम से, हारी तौले सिंह गयो एक आई, और तीन ही पान हड़ लगाई। सील अरे जो मैया ने नजरी घुमाई, देख के सिंह गई घबराई। मेरे भैया बहुला नाम की गैया पर्वत के ऊपर आराम से चल रही थी, अचानक से क्या हुआ, दरबार के लोगों वहां पर एक सिंह आ गया, पीछे से शेर आ गया जो जंगल का राजा होता है। अब जैसे ही शेर आया भैया, गाय को देख करके उसने लंबी दहाड़ लगाई, जिस दहाड़ को सुन के और अपने पीछे शेर को देख करके बहुला के होश उड़ गए, घबरा गई। सिंह बोला अब तो तू नहीं बचेगी, अब तो मैं तुझे खा के रहूंगा, काफी दिनों से मैं भूखा हूं। बातें सुनी बहुला डरी, नयनन भरी गई रो, भाग में अब जाने का कोई। लला रोने लगी बहुला, रो करके बोली सुनो मेरी बात, ऐसा मत करो। सिंह ने जवाब दिया नहीं, आज मैं तुम्हें खा के रहूंगा, काफी दिनों से मैं भूखा हूं, मुझे बहुत दिनों से भोजन नहीं मिला। बहुला रो करके बोली वो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मेरा एक बछड़ा है घर में है, वो मेरी याद में होगा, मेरे इंतजार में होगा, अगर तुम मुझे खा जाओगे ना तो रो रो के मर जाएगा। अरे तब रोई गई महतारी, सोई खरी के कुंवर खिया। Thank you.
रोने लगी बहुला, भैया ऐसा ना करो, मेरा बछड़ा अकेला है, मैं उसकी मैया हूं, अगर तुम मुझे खा लोगे तो मेरे बछड़े का क्या होगा। गैया बछड़े की याद करके रोने लगी, अरे अब मेरे प्राण बचेंगे नहीं, खाली है सिंह है आज मुए खाई, हरे खींच के मौत पनी में लाई, मेरी हुई है अब ख्वारी सोई, करी के कुमर की याद, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, क्योंकि अगर आपने मुझे खा लिया तो मेरा बछड़ा, मेरा बेटा, मेरा पूत मेरे बिना जी नहीं पाएगा। हाय मां की ममता, क्या करूं, अरे मौत खींच के बनी में लाई, अरे कोई ना है जो ले बचाई, और अरे शिवम कछु हरे करी दे सहाय, हरी ने विपदा डारी सोई, करी के कुमर किया, याद रखना दरबार के लोगों, आज उस सिंह ने दहाड़ लगाई तो उस दहाड़ को सुन के गाय रोने लगी, बोली ऐसा ना करो। शेर ने जवाब दिया, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, आज भोजन मिल गया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं तुझे। गाय बोली कुछ तो रहम करो मेरे ऊपर, क्योंकि आज तुमने मुझे अगर खा लिया तो मेरा बछड़ा जो दूध पीने के इंतजार में मेरे बैठा होगा रो रो के मर जाएगा, ऐसा ना करो। लेकिन सिंह ने उसकी एक बात नहीं मानी, जवाब दिया मैं बहुत दिन से इंतजार में बैठा हूं। लेकिन बहुला ने विचार बनाया, सिंह है भूखा है, और भूख के समय आदमी ये नहीं देखता कि सामने क्या रखा है, किस हाल में है, ये तो मुझे खा के ही रहेगा, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन बहुला ने विचार बनाया, मेरा बछड़ा है उसे भी संभालना है, तो आज रो करके बहुला गाय सिंह से बोली, भैया मैं तेरा भोजन बनने को तो तैयार हूं, लेकिन एक मेरी बात मान ले। क्या? पाओ जो थोड़ो समय रे, हाय बेटा से मिलिया, भैया ज्यादा नहीं बस थोड़ा समय दे दे मुझे, मैं तुझे वचन दे रही हूं, मैं यहां से जाऊंगी अपने बछड़े को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। हाय दूध पिलाई के कुमर को झट लौट पास तेरे आऊं, समझ आए पर लौटिक जैसे ही पास में आऊं, हमको लीजो हाय। ए भैया कुछ मत करना, मैं तुझे वचन दे रही हूं, मैं यहां से जाऊंगी बछड़े को दूध पिला के आ जाऊंगी, और जैसी लौट के आऊं मुझे खा लेना। मोपे रूठी गयो करतार नजरिया, हम सो फेरी लई
मुँह पे रूठी गए भगवान नजरिया हम सो गाय ने रोकर उत्तर दिया, भैया मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, तेरे पैर पड़ रही हूँ, तू मुझे थोड़ा सा समय दे दे, मैं अभी जा रही हूँ अपने बछड़ा को दूध पिला करके मैं तेरे पास दौड़ी चली आऊंगी। जो ये शब्द सुने हैं तो शेर ने उत्तर दिया, तू मुझे मूर्ख समझती है, अरे फांसी पे चढ़ने के बाद में कोई लगन लिखाता है, तू आज सामने मौत खड़ी है और तू मुझे पागल बना रही है, तो यहां से जाएगी तो कौन वापस आएगा, अरे मैं नहीं मानता। गाय बोली, धर्म नाम की भी कोई चीज होती है, सत्य नाम की भी कोई चीज होती है, मैं सत्य की सौगंध खाती हूं, धर्म की शपथ खाती हूं, मैं लौट के तेरे पास अवश्य आऊंगी। जो ये शब्द सुने हैं, लेकिन सिंह को भरोसा नहीं था, उसे मालूम था कि जान किसको प्यारी नहीं होती है, ये यहां से जाने के बाद लौट के नहीं आएगी। लेकिन गाय ने जवाब दिया, भैया थोड़ा रहम कर मेरे ऊपर, ज्यादा नहीं थोड़ा। क्या बोली है, हारी रहम करो मो पे वारी, बिनती करो मैं बारंबार, मैं तुझे वचन दे रही हूं, मैं सौगंध खा रही हूं पृथ्वी मैया की, अपने धर्म की, मैं लौट के आऊंगी। रहम करो मो पे वारी, बिनती करूं मैं बारंबार, और सुनो झूठ मती मानो पाता हमारी, झूठ मती लौटी जट आऊं पास तुम्हारी, लौटी जट हरे करो मती बारंबार। अरे भैया रोने लगी, बोली भैया मुझे जाने दे, मैं सौगंध खा रही हूं, मैं लौट के तेरे पास आऊंगी। आई गो चपरे में मेरो कालू, आई गो भैया आई गो चपरे में मेरो कालू, आई गो दूध बिन रोई मरे मेरो लाल, दूध बिन हरे पिपतिया जू कैसी डारी, कैसी तारी बिनती करूं मैं बारंबार। ए भैया सुनना, मैं तुझे ठग सकूं, मेरे अंदर इतनी समर्थ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि तेरे साथ धोखा करूं, जरा सोच भैया, आज तुझसे अगर झूठ बोल के मैं बच जाऊंगी, कल को मुझे घास खाने के लिए फिर यहीं आना पड़ेगा, कहां जाऊंगी मैं, फिर तू मुझे खा लेगा,
मैं झूठ नहीं बोल रही। आओ मैं बेटे दूध पिवाए, आओ मैं लीजियो बेसका हम को खाए, लीजियो भूख तुम्हारी मिटाऊं, भूख तुम्हारी बिनती करूं मैं बारंबार। हरी ले हम करो मो पे भारी, बिनती करूं मैं बारंबार। बहुला गाय रोक करके बोली, भैया मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूं, पैर पड़ रही हूं, जाने दे मुझे, मैं वचन दे रही हूं तेरे पास वापस मैं जरूर आऊंगी। कहे बहुला तुमको ठगे या समरथ मोए नाई, ठगा चहे जो और को सोया बैठ गिजा। भैया ये संसार का नियम है, यहां जो दूसरों को ठगना चाहता है ना एक दिन वो खुद कहीं ना कहीं ठग लिया जाता है। इसलिए भैया मान जा मेरी बात, सिंह को जैसे ये बातें सुनी है सिंह को थोड़ा तरस आ गया। बोला चल ठीक है, मैं थोड़ा समय दे रहा हूं, और तूने सत्य की और धर्म की शपथ ली है, कसम खाई है, देखता हूं कितनी ताकत है तेरी कसम में, जा जा अपने बछड़े को दूध पिला के वापिस आना, मैं यहीं पर तेरा इंतजार कर रहा हूं। लला हरे आज्ञा सिंह की पाए, न माने तेरा लगाई है, जैसे ही आज्ञा मिली कि तू चली जा और दूध पिला के जल्दी आ, चल पड़ी वो गैया। हरे आज्ञा सिंह की पाए, ना माने देर लगाई है, अरे डकराती तड़फाती निज बछड़ा ढिगयाई है, भैया बेचारी सिंह से आज्ञा पाकर के गाय दौड़ पड़ी घर की ओर। शेर बोला मैं इंतजार कर रहा हूं तू जा। बहुला गाय चल पड़ी, रोती जा रही है, चिल्लाती जा रही है, दौड़ती जा रही है, बछड़ा के पास में आई। हाय लल्ला, जैसे बछड़ा ने मैया को देखा दौड़ी के मैया ढिंगयायो, अरे चूमी चाटी पुचकार मातने लले दूध प्यायो, ए चूमी चाटी खुशी दिल बछड़ा के भारी, अरे धन धनी ऐसी मात मात की ममता है निहारी, धन धनी ऐसी ए मैया। माँ आई, माँ ने आकर के बछड़ा के मुंह में अपने अस्तन को डाल दिया, बेटा पी ले जी भर के पी ले। हाय बछड़ा दूध पीने लगा, लला क्या हुआ कि खुशी दिल बेटा को मारी, अरे धनी धनी ऐसी मात मात की ममता है न्यारी, ए धनी धनी ऐसी
लेकिन भैया उत करी करी सिंह याद किया सुल से याद रखना समाज के लोगों, आज वो गैया लौट करके आई अपने बछड़ा को दूध पिलाने लगी। बेचारा बछड़ा चिपक गया और माँ का दूध का पान करने लगा। लेकिन वो बछड़ा बेखबर है कि मेरी मैया चंदपल की मेहमान है, उसे नहीं मालूम था ये सब। जब दूध पीने लगा, दूध पिया, मन से पिया, बड़ा खुश है। लेकिन उधर गैया अपने बछड़ा को देख देख करके और सिंह की याद करके आंखों से आंसू बहा रही थी। लेकिन भैया अचानक से बछड़े की नजर पड़ गई, बछड़े की नजर पड़ गई। उसने पूछा, मां तू रो क्यों रही है, क्या हुआ मैया? मेरा कलेजा फटा जा रहा है मां, कुछ बोलना, क्या हुआ मैया? तो बछड़ा पूछने लगा, मैया सुनना मां, मैया दिल की बात बताई दे और का भयो मोई समझाई दे। ए मां क्या हुआ? मैया दिल की बात बताई दे का भयो मोई समझाई दे। मैया क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू क्यों है मां? बहुला गाय बोली, बेटा तू ये सब छोड़, तू दूध पी ले जी भर के। नहीं मां, मुझे कुछ नहीं पीना, मैं भूखों मर जाऊंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। मैया तू बताना रो क्यों रही है मां? किसने दुख है दिया, किसने हैरान किया, ए मैया किसने दुख है दिया, किसने हैरान किया। मुए उसको नाम बताई दे का भयो मोई समझाई दे। मुए उसको नाम क्या हुआ? नैन आंसू गिरे ओ जननी तेरे, क्या हुआ मैया? तुझे कसम है अपने बेटा की, जल्दी बता क्या हुआ? नैन आंसू गिरे ओ जननी तेरे, मेरे दिल को धीर बधाई दे का भयो मोई समझाई दे। मेरे दिल को धीर माँ दिल की बात बताई दे का भयो मोई समझाई दे। माँ दिल की बात मेरे भैया, आज उस गैया ने रो के उत्तर दिया, लाला जितना खाना है ना इस दूध को आहार समझ के तू ग्रहण कर ले, खा ले पी ले। क्यों हुआ क्या है मैया, मुझे बताना बात क्या है, तू क्यों रो रही है मां? तो रो करके बहुला गाय बोली, बेटा मैं चरने के लिए जंगल में गई थी लाला, लयो सिंह ने घेरी बनी में और हमको मारन चाहो,
तुझे नहीं मालूम बेटा, मैं चरने के लिए गई थी जंगल में। आई लयो सिंह ने घेर बेटा हम को मारन चाहो। और बेटा सुन, अरे दियो बचन वापिस यही देखो प्राण बचाई तब पायो। बेटा मैं शेर को वचन दे करके यहां आई हूं तुझे दूध पिलाने के वास्ते, मुझे जाना पड़ेगा बेटा। मेरे लाल लौट के वापिस जो नहीं जाए और धर्म मेरा लुट जाए, सत्य की नैया डूबी जाए। तासो बेटा धीरज धरो, नसीबा तेरो फूट गयो। धीरज धरो नसीबा मेरो फूट गयो। याद रखना मेरे भैया, बहुला ने रो करके उत्तर दिया, बेटा मैं वचन दे करके आई हूं उसे, और अगर मैं लौट करके वापस नहीं जाती हूं तो बेटा धर्म टूट जाएगा, सत्य लुट जाएगा, मेरे धर्म की नैया डूब जाएगी। आज जो बछड़े ने ये शब्द सुने तो रोने लगा, बोला मैया क्या बोली, हाय तू मेरे लिए यहां चली आई मां? हाँ बेटा मैं तेरे लिए आई। मैया अगर तू मुझे छोड़ के चली जाएगी मां तो मेरा क्या होगा? तुम बिना नहीं मैं जी पाऊंगा, मैं कहां कहां को जाऊं गोरी मैं। किन से मन की व्यथा सुनाऊंगो, मैं तो रोई रोई मरी जाऊंगो मैया। रोने लगा, बोला मैया ये शब्द बोलते हुए तेरी छाती नहीं फटी मां? बोला गाय बोली, बेटा मैं तो कब का मर गई, जब मैंने उसे वचन दिया मेरे प्राण तभी जा चुके थे, ये तो मेरी आत्मा रूपी शरीर मेरा भटक रहा है। मेरे लाल क्या बताऊं तुझे, मैं वचन दे करके आई हूं, अगर मैं वापस नहीं गई तो मेरा धर्म लुट जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, इसलिए बेटा मैं जा रही हूं, तू अपना ख्याल रखना। लड़का पास में आया, बछड़ा बोला मैया ऐसा ना बोलो, तेरे बिना कौन है मेरा इस दुनिया में। हाय वो गाय और बछड़े का दुख भरा प्रसंग, कैसे बताऊं आप लोगों को। बछड़ा रो करके बोला मैया बिना तुम्हारे ना जी पाऊं और भूखन से मर जाऊं, मुझे मत छोड़ मां, मुझे मत छोड़ मां, बिना तुम्हारे मैं मर जाऊं, भूखन से मर जाऊं, मुझे मत छोड़ मां। अरे कहा करूं मैं कित को जाऊं, किन से मन की सुनाऊं, मुझे मत छोड़ मां, मुझे मत छोड़ मां। और क्या बोला है वो बछड़ा रो के, मैया जाओगी छोड़ के जो रोई मरेगा तेरो लाल मां, भूटा नसीबा नहीं आया हमको देखो काल मां। मरना था तो तुझसे पहले मर जाता मैं मैया,
बिना तुम्हारे कोई न मेरा इसकी छाया पाऊं, मुझे मत छोड़ माँ, मुझे मत छोड़ माँ। क्या करूं मैया, कैसे जीऊंगा मैं जब तक मैया मैं तेरा दूध का पान नहीं कर लेता, तेरे साथ नहीं रह लेता, मुझे चैन नहीं पड़ता मैया। एक मैया के बिना औलाद कैसे रहेगी माँ, बोलना। कैसी है लीला तेरी तीनों लोगों के स्वामी मोहना है, अगर तू सच्चाई सर मैया से पहले मुझे मारना है, अगर तू सच्चा है ना तो माँ से पहले मुझे मार देना। अगर तू सच्चाई सर मैया से पहले मुझे मारना, कौन से पाप किए थे मैंने, कौन से पाप किए थे मैंने, सजा में उसकी पाऊं, मुझे मत छोड़ मां। रोने लगा बछड़ा, बोला मैया तेरे बिना ये नहीं जी पाऊंगा मैं। क्यों ऐसा कर रही है माँ? तब तक भैया सब सहेलियां आ गई बहुला गाय की, रोने लगी। जवाब दिया है, तू क्यों घबरा रही है बहन, अरे जो हुआ उसे भूल जा। अरे वो कौन सा सिंह तुझे यहां देख रहा है, तू वचन दे के आई है ना, कोई बात नहीं है, तू बछड़े को दूध पिला और आराम से हम लोगों के साथ रहे, वो यहां थोड़ी ना आ जाएगा, छोड़ सारी बातें। बहुला गाय बोली, नहीं बहन, धर्म धर्म होता है, सत्य सत्य होता है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं सिंह को वचन देकर के आई हूं कि मैं वापिस आ रही हूं दूध पिला के, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा खाने के लिए। मेरे भैया, गाय अपने बछड़े को समझा ही रही थी तब तक सब सहेलियां आ गई बहुला गाय की, जो अन्य गैया थी, उन्होंने बहुला को रोता हुआ देखा, बछड़े को रोता हुआ देखा, पूछ दिया, बहन क्या हुआ, तो माता और बेटा दोनों रो क्यों रहे हो? सब गैया पूछने लगी, क्या क्या बात बनी मेरी बहना, जो मुख पे उदासी छाई है। क्यों आंसू है, दे दिल की बात बताई है, क्या हुआ, तू कहां जाने की बात कर रही है और हम सब लोगों को छोड़ के कहां जाना चाहती है बहन? क्या घटना तेरे संग बनी, जो छोड़ के हमको जाती है। हम सखियों में तू तो बहना, तू प्यारी सखी कहाती है। अन्य गैया बोली, क्या हो गया, कहां जाने की बात कर रही हो, बोलो ना। तेरो बेटा रोवे माँ कह कर, तेरो लाला रोवे माँ कह कर, क्यों रही उसे ठुकराई है। Thank you.
कहिया पूछने लगी, बहन क्या हो गया, क्यों रो रही है तू? रो करके मैया बोली है, बहन क्या बताऊं, हया जो विधाता रूठी गया, जो रिश्ता था तुमसे मेरा वो रिश्ता अब से टूट गया। बहन क्या बताऊं, मैं प्राण तजू वन में जाकर, मुझसे रूठे कृष्ण कन्हाई है, बहना सब गईयों ने पूछा, बहन बात क्या हो गई है, क्यों रो रही है तू और हम लोगों को छोड़ करके कहां जाने की बात कर रही है? बहुला रो करके बोली, बहन क्या बताऊं, मैं चरने के लिए गई थी विकट बनी में, वहां एक सिंह मिल गया, उसने मुझे खाना चाहा, मैं उसे वचन दे करके यहां आ गई कि मैं अपने बछड़े को दूध पिला के तेरे पास आ जाऊंगी, इसीलिए तेरे पास आई हूं, मैं जा रही हूं, वो सिंह मेरा रास्ता देख रहा होगा, तुम सब लोगों से मेरी विनती है मेरे बच्चे का ख्याल रखना। गैया बोली, तू पागल हो गई है, अरे वचन गया भाड़ में, अरे भूल जा सारी बातें, तू हम लोगों के साथ प्रेम से रहे, अरे वो सिंह रास्ता देख रहा होगा, जब थोड़ी दूर तो नहीं जाएगी, वो चला जाएगा वहां से, तो उसकी चिंता ना कर। बोली, नहीं बहन, मैं वचन दे करके आई हूं, तुम्हें नहीं मालूम, साच बराबर तप नहीं झूठी बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, तुझे नहीं मालूम है। सब सहेलियां बोली, अब तू वहां मत जा, छोड़ सारी बातें और सुन मेरी बात, अब तू लौटी मती जइयो, ए बहना, अरे भूल जा उस शेर को, अब तू लौटी मती जइयो, अपने बहना प्राण बचाइयो, और सुन, अपने घर में खुशी से रहियो, हरी रहियो री हरे रहियो, और तुमैया दी सिंह की भुलइयो, अरी बहन जो हुआ उसे भूल जाओ, जो हुआ उसे एकमात्र छोटी सी घटना समझ करके भुला दो, वो सिंह तुम्हारा पीछा करते करते यहां थोड़ी ना आ जाएगा, भूल जाओ मत जाना वहां। बोली, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं जाऊंगी जरूर चाहे कुछ भी हो जाए, होना क्या है, वो मुझे खा लेगा, लेकिन आपको बहन ये नहीं मालूम कि सत्य से और धर्म से बढ़कर के दुनिया में कोई भी पुण्य नहीं है। जो आदमी सत्य से डिग जाता है, जो आदमी धर्म से डिग जाता है, संसार में वो कभी सुख से नहीं जी सकता। मैं वचन दे करके आई हूं, मैं जाऊंगी जरूर, मैं जरूर जाऊंगी, सुनो मेरी बात, मेरो धर्म नष्ट हुई जाए हुई जाए, अरे लौटी सिंह ढिंग ना जाऊं, तो ये नहीं मालूम बहना, मेरो धर्म नष्ट हुई जाए जो लौट सिंह ठिंग ना जाऊं, मेरा धर्म चला जाएगा, अरे दियो वचन मैं लौट के आऊं,
अपनो वचन निभाऊं, मेरे प्राण रहे चाहे जाए, मेरे प्राण रहे चाहे जाए, जो लौट सिंह लड़गनाए जाए। ए बहन, तुझे शायद एक बात नहीं मालूम, अरे पैदा हो मरत है सोई, हाँ एक ना एक दिन तो मरना है। आज मैं सिंह के हाथों से मर के एक पुण्य करके जाऊंगी दुनिया से। अरे लीन हो जन्म मरत है सोई, अरे तिन की चिंता कछु नाए मोई, अरे तन की चिंता कछु नाए मोई, मेरो सत्य खत्म हुई जाए, जो लौट सिंह ढिंगन है जाऊं। आगे बढ़कर के बहुला गाय बोली, बहना मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा सत्य चला जाएगा, इसलिए मैं जाऊंगी जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। गैया बोली, तू पागल बन रही है, अरे एक सिंह के चक्कर में, एक सत्य के चक्कर में तू आज हम बहनों का, अपनी सहेलियों का, अपने गांव का, अपने बछड़े का तू साथ छोड़ रही है। अरे ऐसा सत्य किस काम का बहना जो तेरी जान ना बचा सके। बहुला बोली, बहन सत्य से बढ़कर के जान नहीं है, याद रखना, पर जान से बढ़कर धर्म अवश्य है। पैदा होई अवश्य सो मरई, फिर नाहक भय काहे करई। अब जब जन्म लिया है बहन, मरना तो है ही, तो मरना है तो कुछ ऐसा करके मरूं ताकि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करें। लेकिन बहन, मेरे जाने के बाद मेरा बछड़ा अकेला रह जाएगा, इसलिए मेरी एक विनती है तुम लोगों से। क्या? एक विनती है सखियों हमारी, सुन रही हो ना, मेरा बछड़ा अकेला हो जाएगा। एक विनती है सखियों हमारी, मानो होई मेरी तुम्हारी। एक विनती है सखियों, ए बहन एक विनती है तुमसे। क्या? मेरो छूटी जाई अवतारी। सुनो बहन, मेरे जाने के बाद मेरा बछड़ा छूट जाएगा। मेरो छूटी जाई अवतारी, जाए रखियो बहन सुखारी, बहना सुनो मेरी बात, कैसे बताओ, जाके जीवन की हितकारी, तुम बनियो सखी हमारी बहना। मेरी बहन, मेरे जाने के बाद मेरा बछड़ा अकेला रह जाएगा, तुम उसका ध्यान रखना, तुम उसका ध्यान रखना। गायों ने उसे तो बहुत रोका, हाय बछड़े की हालत क्या होगी जरा सोचो भैया।
कोने में खड़ा फुफक फुफक के रो रहा है। अन्य गैयों ने उसे पकड़ रखा था कि मत जाओ, घेरा बना लिया। गैया जैसे ही छोड़ करके चली तो बेचारा बछड़ा भां भां करके चिल्लाने लगा, रोने लगा, मैया मैया कह करके गिड़गिड़ाने लगा, मां मत जाओ मत जाओ। जितनी गैया खड़ी हैं सब रोने लगी, बोली हमारी बहन हमसे जुदा हो गई। बछड़ा बोला मुझे जाने दो, मेरी मैया मौत के मुंह में जा रही है। आज गैया चल पड़ी, चलते 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 जब थोड़ी दूर पहुंच गई, हाय भैया, कह रही है वो गैया क्या, अरे प्रभु तेरी मर्जी है क्या, और क्या होने वाला है, छूटी गया जिसे नाजों से पाला है। क्या करूं मेरे संग की स्वामी और सारी सखियां छूटी, मेरी सारी सहेलियां छूट गई, की थी क्या भूल मैंने, की थी क्या भूल मैंने, जिसका फल डाला है। लेकिन याद रखना बंसी वाले, याद रखना कि इधर तो मैं मरूंगी तो मेरे चक्कर में एक जान और जाएगी। कौन? एक जान के बदले में एक जान और जाएगी। इधर मैं मरूंगी और इधर मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा भी मर जाएगा। अरे सुख से भरी बगिया को, अरे सुख से भरी बगिया को चौपट कर डाला है। याद रखना मेरे भैया, जवाब दिया है ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया मैंने, मेरा बेटा तड़प तड़प के मर जाएगा, पर क्या करूं, एक तरफ सत्य और धर्म की दीवार खड़ी है, दूसरी ओर मोह ममता की दीवार खड़ी है, और दोनों के बीच फंसी हूं मैं, कहां जाऊं क्या करूं मैं। आज भैया वो बेचारी रोती 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 पर्वत के पास आ गई, जहां उसने देखा कि सिंह खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जैसे गैया पास में आई और जो उसने गाय को देखा, किसने, सिंह ने। गाय बोली भैया हाँ मैं आ गई, मैं आ गई। अरे मोक पीरन खाई के तुम्हें अपनी भूख मिटाइयो, हरी वचन निभायो मैंने अब अपनों फर्ज निभायो। वो दृश्य वो नजारा देखने वाला था। गैया बोली सिंह से, भैया मैं आ चुकी हूं, खा लो मुझे, खा लो, मैंने अपना वचन निभाया, अब तुम भी अपना फर्ज निभाओ। आ, जो शेर ने ये शब्द सुने
महाराज सिंह ने सुनी मात की बात और छक्का छूट गए भैया के चरण नहाए तो माथ भैया। मैं तो सोचता था तुम नहीं आओगी, मुझे मालूम था तुम नहीं आओगी, पर वाजी वाह धन्य है तुम्हारी जैसी माँ। अरे मुंह से बढ़ के नहीं कोई अधमत तुम सो बढ़ के न सतवादी, मुंह से बढ़ के नहीं कोई अधम न तुम सो बढ़ के सतवादी। मुझे तो लगता था कि तुम नहीं आओगी, पर धन्य है तुम्हारी जैसी माँ। आज तुम्हारा सत्य देखने के बाद में मेरे हाथ पैर मेरे विचार काम नहीं कर रहे मैया। आज तूने दिखा दिया, आज तूने दिखा दिया कि संसार में सत्य से और धर्म से बढ़कर के कुछ नहीं है। गाय बोली, आप ये गीता ज्ञान अपना बंद करो, जिस चीज के लिए मैं आई हूं आप अपनी भूख मिटाओ, मुझे खा लो। भैया जो ऐसे शब्द सुने तो सिंह के पसीना निकल आया। बोला मैया इतना बड़ा सत्य तुमने आज दिखाया है और आज मैं उस सत्य रूपी एक निशानी को खा सकता हूं? नहीं खा सकता माँ, मुझे माफ कर दो माँ। सिंह भी रोने लगा और क्या बोला, अब तुम लौटी के घर को जइयो। ए मैया अरे अब लौटी के घर को मैया जइयो, और ना एक बहू सत्य ठुक रहियो। मैया मैं जान गया कि संसार में सत्य से बढ़ के और धर्म से बढ़ के कुछ नहीं है। अरे अपने पुत्र को सत्य सिखाइयो सिखाइयो री, अरे सिखाइयो। अरे तुम्हारी से नेह लगाइयो। सिंह बोला मैया अब मैं तुझे नहीं खा सकता, नहीं खाऊंगा, तुम जाओ माँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुमने इतना बड़ा सत्य दिखाया है, इतने बड़े धर्म का तुमने पालन किया है, मैं नहीं खा सकता। सत्य से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। भैया जो इतना सिंह ने कहा, सिंह को दिल को सिंह के हृदय में ये बात इतनी छू गई थी, उसकी हालत बिगड़ने लगी। इतनो कही के सिंह ने छोड़े अपने प्राण, पहुला मन में दुखी भई घर को कियो पयान। मेरे भैया आज सिंह ने इतनी बात बोल करके अपने प्राणों को दे दिया और आज बहुला मन में दुखी हो गई कि हाय धर्म के चक्कर में भैया ने अपने प्राण दे दिए। आज मगन होकर के बहुला भैया अपने परिवार के पास अपने बछड़े के पास वापस चली आई। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार आप लोगों ने सुना कि संसार में सत्य से और धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक बात और याद रखना, किसी ने कहा है कवि ने, अरे सतवादी कहूं दुख नहीं पावे और वेद पुराण सकल यही गावे। हरि सतवादी कहूं दुख नहीं पावे, वेद पुराण सकल